saiyo. केशव विद्यालय नहीं आ रहा है, क्या बात है? मैंने भी केशव को घर से बाहर खेलने आते नहीं देखा। बच्चों आज बस इतना ही और अब से दिवाली की छुट्टी है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन दिवाली में तो बहुत काम होता है घर पे। ऐसा क्या काम करते हो घर में? मिठाई बनाते हो या बाजार जाते हो? मैं अपने पिताजी की मदद करता हूँ दिए बनाने में, बहुत सारे बनाने होते हैं। हाँ मैं भी करता हूँ पिताजी की सहायता दिए बनाने में। गुरुजी मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे दिया बनाने की क्या जरूरत? क्यों? अरे आप भूल गए, हम नीची जात वाले लोग हैं, हमारे घरों में दिवाली कहाँ होती है। क्या तुमने किसी भी दिवाली में अपने घर को दियों से नहीं सजाया? नहीं। तो फिर दिवाली कैसे मनाते हो? औरों के घरों की रोशनी देख के। आप हमारी बस्ती की तरफ कभी नहीं आते है ना? लेकिन फिर भी मुझे साई ने सिखाया है, हम जो चाहे हमें मिल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करना चाहिए। तो इस दिवाली में मैं भी एक दिया जरूर जलाऊंगी। आप ही ने तो कहा था कि खुशी जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी औरों के लिए कुछ करूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि हम लोग जिन्हें सारा शिरडी अछूत समझता है, जिन्हें कोई दिवाली की बधाई नहीं देता है, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। मैं जलाऊंगी उन सारे घरों में दिए, और जैसे शिरडी जगमगाता रहता है वैसे ही द्वारका माई और हमारी बस्ती भी जगमगाएगी। मैं फिर से हिसाब भूल गई, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि बहुत सारे उपले बनाकर बेचने पड़ेंगे। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ ना? मैंने तुझे लक्ष्मी कहा है, और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी चाहे और ना हो? दिवाली के दिन लक्ष्मी के चारों ओर दिए नहीं जलेंगे तो और कहाँ जलेंगे? समय नहीं है वरना मैं और देर बात करती, मैं चलती हूँ। हमारे इरादे ही हमारा रास्ता तय करते हैं। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही, रावण की लंका भी यही है और राम जी की अयोध्या भी। इसलिए जिनके इरादों में नेकी की जोत होती है उनमें बरकत भी जरूर होती है। राम जी भला करे। और मैं कुलकर्णी सरकार के यहां रहूंगा। इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? ये मैंने तय नहीं किया है। आज मालसापति जी ने साईं जैसे संदिग्ध अपराधी का साथ देकर मेरे कर्तव्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न की है, और ऐसा करकर वो खुद एक अपराधी बन गए। तो मेरी नौकरी छिन जाएगी और सजा मिलेगी वो अलग। कुछ नहीं होगा विष्णु, चिंता मत करो, हम ढूंढ निकालेंगे जीवा को। हम? चकित क्यों हो विष्णु? मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लठेत लेके जाओ और घर घर जाकर पूछताछ करो। एक बात याद रखना, साईं हाथ में आना चाहिए। एक बार साई हाथ में आ गया तो जीवा अपने आप आ जाएगा। इसलिए साई के बारे में जितने प्रमाण प्राप्त कर सको उतना अच्छा, और वो भी अतिशीघ्र।
पिताजी तो काम में उलझे हुए हैं, उन्हें पता नहीं लगेगा कि मैं कब निकल गया। हमें वो संदूक मिलेगा? संदूक है वो विष्णु, संदूक सुई नहीं है जिसे आसानी से छुपाया जा सके। उपले ले लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल उपले है। ले लो। जो कुछ है हाथ में तेरे उपले ले लो। है अच्छे कर्म किए उपले ले लो। तो जीवन सब। अरे तू आ गई। ओम साई 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 ओम क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? तुम कहाँ थे इतने दिन? जागरण में नहीं आए? सब ठीक तो है? ये दोनों कौन है? ये दोनों बात क्यों नहीं कर रही हैं? इन्हें खुलने में समय लगता है। पहले तुम बताओ कहाँ थे तुम? मैं नहीं आ पाया। कैसे दोस्तों, बताया भी नहीं? हम बेकार में परेशान हो रहे थे और तुम घर पे बैठकर मिठाइयाँ खा रहे होगे। उदास मत हो केशव, लक्ष्मी से डांट तो हम सबको खानी पड़ती है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ जिपरी, मुझसे भूल हुई, अब से मैं तुझे बता दिया करूँगा। वारका माई में सबको माफी मिलती है। चलो चलो अब मदद करो। लेकिन मुझे घर लौटना पड़ेगा। क्यों, मदद नहीं करना चाहते हो हमारी? जाओ अपने उस बड़े से घर में जाकर लड्डू खाओ। ठीक है, मैं कंदिल बना देता हूँ। चलो चलो आ जाओ, तुम तात्या की मदद करो। और उसी के साथ साई का कुछ कर पाया तो मुझे खुशी होगी। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है, साई भी उन विद्रोहियों के साथ है। हरिओम हरिओम। 15 दिन में से आज का दिन तो निकल ही गया। ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास विष्णु। वो विद्यालय देखा है तुमने, खंडर के सामने? हाँ। वहां माधव है, उससे जाके मिलो, बताओ कि मैंने भेजा है तुम्हें, वो करेगा तुम्हारी सहायता। हरिओम।
कहाँ थे तुम? अगर पिताजी को पता चल जाता तुम घर पर नहीं हो तो? मैं साईं से मिलने गया था द्वारका में। वहाँ पे और भी बच्चे थे। वहाँ पे हम लोग ने साईं के लिए आकाश कंदील भी बनाई। आप मुझसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों? तुम तो साईं का आशीर्वाद लेकर आ रहे हो। सबका ऐसा भाग्य कहाँ? कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई मार न पाए अंधियारे की गहरी रात जो आए हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इस रिश्ते को विष्णु आप पर ऐसे आग जमाए हुए है जैसे आप उसके कोई दुश्मन हो उधर कुलकर्णी सरकार ने भी उसको और उकसाया हुआ है साई हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या मेरी अमुना कुछ बोलती नहीं लेकिन मैं माँ हूँ उसकी उसकी तकलीफ समझती हूँ साईं ये रिश्ता तो आपके ही द्वारा संभव हुआ था फिर इसमें इतनी बाधाएं क्यों आप कहते हैं सबूरी लेकिन दिन प्रतिदिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इसी परिस्थिति में सबूरी रखना कैसे संभव है साईं सबूरी का मतलब कर्महीनता नहीं होता कोशिश नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा साई आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते साई आपने ही मुझे उबारा है अब आप ही मुंह फेर लेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे साई अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे सजा दीजिए जो मन में आए कीजिए पर मुझसे बात कीजिए साई जाओ पहले ऐसी तीन चीजें लेकर आओ जिन्हें तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वो तुम्हारी हैं मैं अभी आता हूं साई ये लीजिए तो ये वो तीन चीजें हैं जो पूरी तरह से तुम्हारी हैं बिल्कुल साई Oh,
ये अंगूठी विष्णु को दे दो और उससे कहो कि चोरी के सामान के लिए वो गलत जगह ढूंढ रहा है। उसकी आंखें खोलकर उपकार करो उस पर। लेकिन साई, विष्णु तो पुलिस में है, अगर मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा तो बाकी सारे गुनाहों का आरोप मुझ पर ही लगा देगा। उसका विश्वास पाना चाहते हो तो पहले उस पर विश्वास करो। यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। बेटा रोते नहीं है, आओ बैठो बैठो, रोते नहीं है बेटी। अरे छोटी सी चोट है, तेरे बाबा अभी ठीक कर देंगे। हाँ एक ए, ए, ए। अभी ठीक हो जाएगा बिटिया रानी, अभी ठीक हो जाएगा। जाएगा बेटा, बाबा ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। क्या हुआ यमुना? कुछ नहीं, थोड़ा हाथ जल गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मेरी बहादुर बच्ची है तू, बहादुर। अपने दायित्व के मार्ग को इतना संकीर्ण मत बनाओ कि उसमें तुम्हारे अपने स्वार्थ के अलावा किसी और के लिए स्थान ही ना रहे। अपनी भूख मिटाने की दौड़ में अगर प्रकृति के संतुलन को ताक पर रखोगे तो उसका दंड तुम्हें ही नहीं, आने वाले भविष्य में पूरी मानवता को भुगतना होगा। से जाएंगे, एक साथ जाने का क्या फायदा? अलग अलग, हाँ ऐसे में हम बहुत सारे घरों में जा सकेंगे उपले बेचने के लिए, और फिर सीधे द्वारका माई में मिलेंगे। मैं कैसे अकेले बेचूंगी? अरे तुम सब कर लोगी। सोचो दिवाली का, सोचो घर में दिए चाहिए है ना?
नए कपड़े चाहिए है ना? चलो चलो, समय नहीं है, तुम उस गली में जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। जी जी। साई, मुझे भी बाती बनाना सिखाइए ना। आज केशव भी होता तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत बड़े विद्यालय गया है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा वहाँ से पढ़ के, है ना साई? लक्ष्मी, विद्यालय बड़ा है या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, वो गुरु, अपने शिष्यों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कितना समर्पित है, कितना धैर्यवान है। और उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो उस ज्ञान को पाने के लिए कितना उत्सुक है, कितना मेहनती है। मैंने सुना है जीवा पकड़ा गया है। उससे तुम्हें क्या? नहीं, लेकिन वो संदूक नहीं मिला है ना? चोर मिल गया है, संदूक भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? एक बात पूछूं, मरियम, वो संदूक हमारे घर में रखा गया था ना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही थी। लेकिन जब से चोरी हुई है, मैं तब से देख रही हूँ कि आप उतने चिंतित, उतने परेशान नहीं है जितना कि आप आम तौर पे होते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.